है जूंगफ्राउ में डिस्कस हम कर रहे हैं इंडिया का टीम सिलेक्शन। हैशटैग आकाशवाणी भैया, चारों तरफ ना एकदम बर्फ ही बर्फ है और हम किस बारे में बात करने वाले हैं? जो बड़े बड़े एक फैसलों के बारे में एक बात करते हैं। सबसे पहले टेस्ट टीम की बात करते हैं। रोहित शर्मा का नाम वापस टीम में आ गया है। रोहित शर्मा का नाम तो आ गया लेकिन हनुमा विहारी का नाम भी और अजिंक्य रहाणे का भी है, तो फिर 11 में कौन खेलेगा? रोहित तो टेस्ट मैच है, उसके अंदर अगर 16 मेंबर का स्क्वाड होगा तो एक समस्या रहती है दोस्तों की ना, आप 11 को खिलाते हो, मैक्सिमम 12-13 को मौका देते हो, आप 16 को कभी पूरा मौका दे नहीं पाते। तो रोहित को आपने रखा जरूर है लेकिन रोहित को आप खिला नहीं पाओगे। अगर खिलाओगे तो हनुमा विहारी वैसे नहीं खेलेंगे और वहां पर मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा जा रहा है, ऐसा आइडियली नहीं होना चाहिए। और जो दूसरा एक मेरा बड़ा सवाल वो ये है कि आपने नवदीप सैनी, मतलब उनको खिलाना था टेस्ट मैच, रखा उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में, टेस्ट मैच का प्रॉपर बॉलर है वो, मतलब डालेगा अच्छी जगह पे, रणजी ट्रॉफी में विकेट्स लेता है, इंडिया में विकेट्स लेता है, रेड बॉल से अच्छा करता है, और आपने उनको किस में सेलेक्ट किया? आपने उनको व्हाइट बॉल में किया, रेड बॉल में उनका नामो निशान नहीं है, क्यों नहीं है? मतलब मेरा एक ये पर्सनल दरख्वास्त थी कि नवदीप सैनी शुड बी इन द टेस्ट स्क्वाड, व्हाइट क्लोथ और रेड बॉल। और तीसरा जो एक मेरा बड़ा सवाल है वो ये सवाल है कि अपना वैसे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं तो वो शोर शराब बहुत मचा रहे हैं, एक बार बेटा इनको खड़ा कर दो फटाफट से, नहीं तो ये दिक्कत, इसको खड़ा करो नहीं तो बिल्कुल गेट अप आशिल। तो अच्छा, लास्ट मेरा सवाल जो था वो था कि ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा दोनों टीम में, क्या पंत को हटा पाएंगे? जो पिछले अगर आप उनके 10 मुकाबले देखेंगे, ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल, तो अगर साहा को रखा है तो क्या उनको आप बाहर बिठाओगे? बाहर तो नहीं बिठाओगे। और ये एक बड़ा सवाल है जो सेलेक्टर्स को, टीम से मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। और एक बात और स्पष्ट हो गई कि स्पष्ट तो खैर पहले हो गई थी, पृथ्वी शॉ की इंजरी अभी भी, एक नई इंजरी उन्होंने ले ली है और इस वजह से वो अभी भी उपलब्ध नहीं है। आई मीन वो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं थे, वो यहाँ पे भी नहीं है, कब खेलोगे यार? मतलब दैट्स अनदर थिंग दैट द बॉक्स दैट वी वांट टू टेक। अदर देन दैट, विराट कोहली ने कहा कि मैं सारा टूर खेलूंगा, ये एक और बड़ा एक टेक अवे है यहाँ का कि मैं वनडे भी खेलूंगा, T20 भी खेलूंगा, टेस्ट भी खेलूंगा, बीच बीच में छोड़ देते थे, इस बार उन्होंने छोड़ने का विचार बनाया नहीं। अब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, क्योंकि यार हम तो कहां से, मतलब जूमफ्रॉ से आपके पास आ रहे हैं। वनडे T20 का भी करेंगे रिव्यू, बट मैं खेलता हूँ जाके यार।